हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी व्लॉग की शुरुआत अभी शाम के 5 बजे से हो रही है गाइस। और फिलहाल अभी मैं हूँ यहाँ पे APG साइड, आई थी कुछ काम से आई थी वैसे। तो फिलहाल मैं आप लोग को यहाँ से व्यू दिखा देती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है शिमला। और मैं वैसे घर के कपड़ों में ही आई हूँ गाइस, देख सकते हैं चप्पलों में हूँ मैं क्या काम से आई हूँ ये भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बता देती हूँ आगे। फिलहाल मैं बताती हूँ, आजकल वैसे बारिश होती ही रहती है, पहले भी बारिश हुई थी, अभी थोड़ा मौसम साफ हो गया है। और कब बारिश होती है, कब धूप लगती है, कुछ पता ही नहीं चलता है शिमला के मौसम का। तो फिलहाल अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और मैं बता देती हूँ आप सभी को कि मैं किस काम से आई थी। तो मैं आई हूँ आज गाड़ी सीखने लवली जी से। तो वैसे मैंने एक दो बार पहले ऐसी चलाई है 10-10 मिनट के लिए, ऐसी थोड़ी सी, मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं है कैसे चलाना है, क्या करना है, मतलब ऐसी चलाई थी मैंने टाइम पास के लिए। और मेरा अभी स्टेयरिंग भी क्लियर नहीं है, तो मैं अब गाड़ी सीख रही हूँ बस ऐसी शौक शौक में। ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने गाड़ी लेनी है, क्या पता आने वाले टाइम में बट सीख के रखते हैं, क्या पता कभी काम ही आ जाए। इसलिए हम जा रहे हैं गाड़ी सीखने। तो लवली जी मुझे गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। लवली चले, मैं ही मोड़ू? हाँ, आप ही मोड़ो। सब कुछ मैं करूँ? हाँ बिल्कुल। है तो चलते हैं, एक खोल के दो ना। ये भी गाड़ी सीख रहे वैसे इसलिए आए हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी सीखते हैं काफ़ी लोग, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती है। ये है APG साइड, बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे और लोग भी सीखते हैं इस रोड में, तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ गाड़ी सीखने के लिए स्पेशल। अब गाड़ी स्टार्ट कर दी है लवली जी ने और मैं बैठती हूँ वहाँ पे। तो गाइस, अब मैं बैठ चुकी हूँ ड्राइविंग सीट पे। तो सबसे पहले तो मैं सीट एडजस्ट कर लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग। बस ये ठीक है, मेरे पैर पहुँच रहे? हाँ पहुँच रहे। थोड़ा तो मुझे गाइस पता है कि कहाँ ब्रेक है, कहाँ क्लच है, कहाँ क्लच और क्या होता है, एक्सीलेटर, राइट? तो ये सब मुझे पता है। तो सबसे पहले गाड़ी तो स्टार्ट कर दी है, शीशा नीचे कर देते हैं बस, ये कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया बस। क्या बोलते, क्लच दबाना है, क्या करना है फिर? ये क्या, इसको क्या, गियर सॉरी, अच्छा रिवर्स गियर, पूरा क्लच दबा के, पूरा क्लच, यस, ये ढंग से दबा नहीं यार, फिर से लगाओ, क्लच तो पूरा दबाया है यार मैंने, ये फिर भी नहीं दबा, क्या दबा है? नहीं दबाना, बस गियर मैंने दे दिया है और इसको हैंड ब्रेक को थोड़ा ऊपर करके, पहले ऊपर करना है, हल्का सा ऊपर करो तब दबेगा, हल्का सा ऊपर करके, आप करके दो ना यार, मैं से नहीं दब रहा, कितना टाइट है। अब इसको छोड़ू मैं? हाँ। और ब्रेक पे भी रखना है फिर, हल्का सा, हाँ ब्रेक पे भी रखना है, धीरे धीरे छोड़ो, खुद चलने लगेगी गाड़ी, ब्रेक नहीं दबानी अभी। अच्छा नहीं दबानी? हाँ बस, स्टीयरिंग काटो हल्का सा, किस तरफ को काटो? इस साइड को, पूरा 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 पूरा। अब क्या करूँ? बस जाने दो जाने दो, अब पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक भी दबाओ, ब्रेक भी दबाओ, क्लच तो मैंने दबाने को बोला आपने तो पूरा छोड़ दिया, अब आपने हल्की हल्की ब्रेक दबानी है, हल्की 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 ब्रेक दबानी है। हाँ, दबा रही हूँ मैं, दबाओ हल्की हल्की और, बस बस इतनी नहीं, हाँ हल्की इतनी बस, ब्रेक के जरिए चलना, अभी हम न्यूट्रल पे जा रहे हैं इसलिए, ठीक है, ठीक है, छोड़ दो ब्रेक, इतनी भी नहीं, जब आपको लगे ना बहुत स्लो हो रही है तो ब्रेक छोड़ देनी है, ठीक है, और जब लगे कि बहुत ज्यादा स्पीड होगी है तो हल्की हल्की ब्रेक दबानी है, पर मत रखो अपनी साइड, रखो ये वाली साइड, हल्की हल्की ब्रेक, ठीक है, ओके, हल्की हल्की ब्रेक, हाँ, हल्की हल्की और, हल्की हल्की और,
ब्रेक हल्की हल्की और बस, हाँ ठीक है ठीक है, वापिस वापिस उस साइड को नहीं रहना, कुछ ट्रक वगैरह आएगा तो ये अपनी साइड हल्की हल्की ब्रेक दबाओ। दबा रही हूँ बस पूरी दबा दी ना। अब आपने देखो उधर उस साइड से नाली में ही ठोक दोगे आप तो, ये देखो पूरी नहीं दबानी है ब्रेक, अपनी साइड चलना है, हमने ये वाली साइड ज्यादा चलना है। ठीक है ठीक है। अब उधर को जा रहे हो फिर से, मैंने बोला अभी ये साइड को रहना हमने ज्यादा, अभी तो बोला मैंने आपको, ठीक है अभी बोला मैंने आपको, देखो तो कितना एक बुरी गाड़ी निकल जाएगी वहां से। यार इस साइड को रखो ना प्लीज, इस साइड को ज्यादा इस साइड से चलना है हमने, हल्की हल्की ब्रेक मोड़ो मोड़ो मोड़ो, हल्की हल्की ब्रेक, वापिस भी मोड़ना है, वापिस भी मोड़ना है। यार क्या छोड़ दो ब्रेक, छोड़ दो प्लीज, ये फास्ट हो रहा है मैं क्या करूं फिर, तो हल्के हल्के उससे दबाओ ना, पकड़ो स्टीयरिंग मेरे ब्रो। हाँ, तो छोड़ क्यों नहीं रहे हो फिर? ओ देखो आप ऊपर को जा रहे हो इस साइड, इसीलिए यार इतना तो चल ब्रेक पता नहीं लग रहा आपको, ब्रेक हल्की हल्की ब्रेक, हल्की हल्की ब्रेक, हल्की हल्की ब्रेक, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और देखो अब देखो ट्रक पे बच जानी थी ना, छोड़ दो ब्रेक तो रुक रही है गाड़ी, फिर आपने ब्रेक नहीं दबाए रखनी, और नीचे जा रही है गाड़ी तो उस साइड को रखनी है फिर आपने यार, तो ब्रेक का मुझे समझ नहीं अब उधर देखो आगे देखो मेरी साइड रखो गाड़ी। हाँ। ब्रेक या अपने हिसाब स्पीड के हिसाब से दबानी है आपने तो, मेरे को चलने दो बस, तुम अपना मुंह मत खोलो बस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चल रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहे हो, ब्रेक भी दबाओ। बस यार मैं कर ही रही थी यार, तुम ही बीच में। अरे एकदम से नहीं होगा आपसे, एकदम से नहीं होगा, एकदम से एक्सीडेंट ही होगा यार, एकदम से नहीं होता है कुछ। तो ठीक है मेरे को डराओ मत, बस मैं आराम से चल रही हूँ ना, जैसे जैसे मैं चल रही हूँ बस मुझे डराओ मत, तुम ही हाँ करके मेरे को डरा रहे हो। अब छोड़ दो ब्रेक, अब यहाँ बच जाएगी गाड़ी, देखो ये नीचे नहीं बचाऊंगी मैं, दिख रहा है मेरे को अंधी नहीं हूँ मैं। तब नहीं ऐसे तो नहीं सीख पाओगे कि उल्टा ही अगर, I'm so sorry, तब तो बड़ा ही मुश्किल है अगर उल्टा मेरे भी अगर ऐसे सिखाने वाले भी अगर सीखोगे तब तो बेटा। सॉरी सर जी, छोड़ दो ब्रेक, दिख नहीं रही है कि स्पीड बहुत स्लो होती जा रही है, तो जब ब्रेक छोड़ोगे तभी तो गाड़ी आगे चलेगी। ये रुक क्यों गई? मैंने कुछ नहीं किया, रुक गई ये। ब्रेक दबाओ पूरी। हाँ। अब ये रुकी क्यों? बताओ मैंने क्या किया? बताओ ना ये क्यों रुकी? न्यूट्रल खत्म हो गया, अब प्लेन आ गया ना, थोड़ी सी हल्की सी चढ़ाई आ गई, तो अब आता है गियर यूज में, तो पूरा क्लच दबा के, पूरा क्लच दबाओ। हाँ। फर्स्ट गियर हो गया। हाँ। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, और ब्रेक तो छोड़ दो, धीरे धीरे छोड़ो बस, ब्रेक पूरी छोड़ दूँ। हाँ। और ये देखो जा रही है ना आगे, आगे देखो, एक्सलेटर नहीं देना है, एक्सलेटर बोला मैंने आपको देने को, एक्सलेटर मैंने बोला आपको देने को, नहीं एक्सलेटर से ही तो चलेगी गाड़ी, नहीं चलेगी यार, अपना ही करना है तो। आई एम सॉरी, ठीक है बताओ क्या करूँ अब? जा रही है ना, देखो जा रही है ना, इधर को रखो मेरी साइड को। हाँ। मेरी साइड को रखो। हाँ, रखी है ये, और रखू आपकी साइड, नीचे ना पहुंच जाऊं मैं ढंग से। अरे वही तो आपको जब आईडिया नहीं तो वही तो क्या बोलूं अब, क्या करूं? अरे को रखो, आपकी साइड ही रखो, मुझे डर लग रही है, दो दो ट्रक आ रही है, तो तब तो नहीं चलानी पड़ती है ना गाड़ी, तब थोड़ी चलानी पड़ती है अगर डर लगता है, तब क्यों चलानी गाड़ी? अब चलाऊं? अब तो नहीं, अब पूरा क्लच दबा के ब्रेक दबानी है, एक्सलेटर एक्सलेटर से हटाओ पैर, पूरा क्लच दबा, हाँ न्यूट्रल करो। तो गाइस अभी मैंने यहाँ गाड़ी साइड में लगा दी है, अब यहाँ पे मोड़ने की थोड़ी छोटी जगह है, और मुझे यहाँ पे
आइडिया नहीं आएगा, वैसे मुझे आता ही नहीं मोड़ना, सीधी सी बात। और आगे से इतने बड़े बड़े ट्रक भी आ रहे तो फिर भी सीख रही है। हाँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ गलती करूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे हैंड ब्रेक नहीं, हाँ इसको देख, मैं छोड़ दूँ सब कुछ, ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ के लव लीजिए यहाँ पे मोड़ेंगे, उसके बाद आगे चलूंगी गाइस, आ जाओ। और यहाँ पे लव लीजिए अब मोड़ेंगे, क्या कुछ आ रहा है? और ये ऊपर देख सकते हैं, ये विकास नगर है, पंथा घाटी विकास नगर। और यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है यार, वाओ। मोड़ दो और आ रहा है। मोड़ना कितना इजी होता है ना, और मुझे ही नहीं आता, तो चलते हैं गाइस। अब बताओ मुझे क्या क्या करना है। पहले सीट एडजस्ट। ओ यार, आपने सीटों को लिया बस पूरा नहीं, और आगे क्लच नहीं है। धीरे धीरे अब क्लच छोड़ो। हाँ। और बस ब्रेक हटा दो। हाँ, ब्रेक से हटा के एक्सीलेटर पे पैर रखो। हाँ। रखो बस। अब दोनों से हटा दिया मैंने। बस हाँ, अब ज्यादा एक्सीलेटर नहीं देना, अब पूरा क्लच दबाओ एकदम, एक्सीलेटर नहीं देना, ओए पूरा क्लच दबाओ, पूरा क्लच दबाओ। हाँ दबाओ। बस छोड़ दो। हाँ। बस अब इसका ही काम है, एक्सीलेटर का। हाँ, अब एक्सीलेटर का काम है और ब्रेक का भी है। जब आप एक पास दे दो, ब्रेक दबाओ, ब्रेक 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 बीच में। ऐसे मत डराया करो मुझे यार। अब क्या क्लच से हटाऊं? धीरे धीरे, हाँ छोड़ो क्लच। बस अब एक्सीलेटर हल्का 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 हल्का, रुक जाओ इसको आने दो, कोई बात नहीं, इतना ही रखना क्लच, ठीक है। अब धीरे, हाँ हटा के बस अब एक्सीलेटर, अब अपनी साइड को करो। हाँ, सिर्फ अब एक्सीलेटर का काम है, अपनी साइड रखनी है और गाड़ी है, ठीक है, ठीक है। दो एक्सीलेटर उधर, वो उधर को नहीं रखनी, इस साइड को रखनी है गाड़ी। देखो आगे ट्रक आ रहा है ना, तो कैसे जाएगा वो? ट्रक को जाने दो, मैं नहीं जा पाएगा ना अगर आप इस साइड नहीं रखोगे। ओके, हाँ जी ठीक है, ये मैं अपनी साइड में चलाऊंगी। अब पूरा क्लच दबा के दूसरा गियर देना है, दबाओ बस छोड़ो। मेरे को ना एक्सीलेटर से गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम, एक्सीलेटर छोड़ो। हाँ अब हल्का हल्का दबाओ। हाँ कहाँ पे है? जहाँ आराम से आराम, हाउसिंग बोर्ड के पास की इस साइड को रखो और आराम से एक्सीलेटर ज्यादा मत दबाओ, मेरी साइड को रखो, मेरी साइड को गाड़ी दबाओ, एक्सीलेटर दबाओ दबाओ। आ गया मैं, आ गया दो मिनट में। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, मतलब एक्सीलेटर दबाओ हल्का हल्का दबाओ, हल्का हल्का दबाओ एक्सीलेटर। जब तक आपका स्टीयरिंग क्लियर नहीं होगा ना, मेरे को नहीं लगा, जब गाड़ी स्लो करनी है ना फिर एक्सीलेटर छोड़ देना है, ठीक है। और जब परे को रखो, एक दो बार ही में तो ही ना होता है नहीं वो, तो मैं हाँ मैं समझ गया, पर जब गाड़ी मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब स्लो करनी है गाड़ी तो एक्सीलेटर, अभी स्लो करनी तो एक्सीलेटर छोड़ देना है, फास्ट करनी है गाड़ी, थोड़ी तेज चलानी तो एक्सीलेटर फिर दबाना है, ठीक है। और अपनी साइड हमेशा गाड़ी रखनी है, क्योंकि पीछे से भी कोई पास ले सकता है और आगे से तो गाड़ी आती ही आती है, अचानक से भी आती है मोड़ पे, ठीक है। ऐसे अभी स्टार्टिंग में नए नए बिल्कुल, तो उस हिसाब से अब बहुत अच्छा चला रहे हो, अच्छी बनाना बहुत ही बढ़िया।
एक्सीलेटर और दो और दो। देखो चढ़ाई पे जितनी स्लो हो रही है ना, तब एक्सीलेटर देना है आराम से आराम से आराम, दबाए ही नहीं रखना, परे को रखो बेटा, नाली आ रही है इधर, आराम से। तुम बहुत ही तेज दबा रहे हो आप। चलो ठीक है, आराम आराम से काटो 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 शाबाश, बस हाँ ये बिल्कुल प्रो परफेक्ट बोलो, परफेक्ट परफेक्ट, ये अब तो परफेक्ट चला रहे हो बिल्कुल, वाह। कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ तो मुझे आता है सब कुछ। अब थोड़ी देर, यस यस यस, बहुत बहुत ही बढ़िया चला रहे हो अब तो, वाह बहुत ही ज्यादा अच्छा चला रहे हैं। कम 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 एक्सीलेटर कम, हाँ राहुल आ गया भाई, आ गया मैं, आ गया, दो मिनट में आ जाऊंगा। अच्छे से काटना है यहाँ पे, अच्छी टफ मोड है देखो ये, हाँ बिल्कुल, एक्सीलेटर भी हल्का हल्का देना अगर स्लो हुई तो। काटो 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 काटो, देखो इतना बाहर से, अगर कार होती तो इस टाइम गड़बड़ होता, समझ रहे हो? अब हल्का हल्का आराम से एक्सीलेटर काटो यार, गाड़ी थी यार, गाड़ी थी तो ना अपनी गाड़ी ठोक देनी, इसका मतलब अपनी साइड से चलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी साइड से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दो दो एक्सीलेटर, दो एक्सीलेटर, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, स्लो 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 स्लो, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ज्यादा बढ़िया। और स्लो 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 स्लो, यस यस, अब इधर साइड में लगानी है और मेरे को नहीं पता, अरे क्लच क्लच दबाओ और ब्रेक भी, चलो जान दो अभी एक्सीलेटर दो, बस छोड़ दो ब्रेक दबाओ हल्की, क्लच पूरा दबा के, वेरी वेरी गुड। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आज की? अच्छा, बहुत अच्छी, अब क्लच पूरा दबाया है ना, हाँ। सबसे पहले फर्स्ट न्यूट्रल करो इसे, ये सेकंड गियर है, अब इसके बाद हैंड ब्रेक पूरी जोर से, जितने जोर से, बस अब आप क्लच छोड़ सकते हैं और ब्रेक भी छोड़ सकते हैं। ओ वाह मजा आ गया। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आज? अच्छा का रहा, डे फर्स्ट है हमारा ये, हाँ इससे पहले एक दो बार बस 10-10 मिनट चलाई है, वो तो ऐसी थी मतलब आती नहीं थी गाले से। वो इस साइड से स्टीयरिंग चलाया बस, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा चलाया आपने उस हिसाब से, डे सेकंड थर्ड के हिसाब से, फर्स्ट डे में अच्छा, डे फर्स्ट ही है आपका ये ड्राइविंग सीट पे, तो बहुत ज्यादा सही था इस हिसाब से, तो कमेंट्स में तुम्हें बता देंगे कि तुम कितनी जल्दी सीख जाओगे। कमेंट्स पे ही, कमेंट्स का ही वेट करेंगे, देखते हैं कमेंट्स में लोग क्या बोलते हैं। चलो ठीक है, तो गाइस मैंने सीख लिया है, हमने कितने मिनट सीखा होगा, 20 मिनट होगा ना, आधा घंटा, आधा आधा, हाँ हाफ एन आवर। चलो ठीक है मैं जाती हूँ अब, बाकी आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, एंड इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बाय, टेक केयर।